स्वागत है दोस्तों आप सभी का टेक्निकल दिव्यांग चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे 100% अपने मोबाइल से ही ओरियो अपडेट को अपग्रेड कर सकते हैं अपने एनोन के 6X डिवाइस को। हालांकि पिछले वीडियो में बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि वो वीडियो वर्क नहीं कर रहा है प्रोसेस, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि ये प्रोसेस आपका वर्क करेगी, वो भी विदाउट पीसी। आप अपने ऑनर 6X के डिवाइस को नॉगट से ओरियो में अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बारीकी से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के नोटिफिकेशन वाले घंटी को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस जो है एंड्रॉयड नौगट पे अभी चल रही है, तो इसे हम अब दूसरे मेथड से, आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे मेथड से हम इसे ओरियो में अपग्रेड करेंगे। दोस्तों ओरियो में अपग्रेड करने के लिए आपके डिवाइस के बूटलोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है और वहाँ पर आपके डिवाइस पर TWRP रिकवरी जो है कस्टम रिकवरी वो इंस्टॉल होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें अब मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने बूटलोडर को अनलॉक कर सकते हैं और TWRP फ्लैश कर सकते हैं, तो दोस्तों हमारा वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कैसे आप ओरियो में अपग्रेड कर पाएंगे वो इस मेथड से। तो चलिए आपको यहाँ पर माई फाइल्स में जाना है और जो वीडियो में मैंने फॉर्मवेयर का लिंक दिया है वो तीनों फॉर्मवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल के SD कार्ड के किसी भी फोल्डर में आपको वहाँ पे उस फाइल को रख लेना है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि आप उस फाइल को रखते वक्त आपको फाइल का रीनेम करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तीन फाइल, उसमें एक update.zip नाम से एक फ़ाइल होगी, आपको उस फाइल को रीनेम नहीं करना है। अपडेट डाटा फुल पब्लिक नाम से एक फॉर्मवेयर होगी, उसको आपको अपडेट डाटा पब्लिक इस टाइप से रखना है, फुल को वहाँ से हटा देना है। उसके बाद अपडेट फुल BLN L22 चैनल इन, इसको आपको अपडेट ऑल HW में आपको एडिट करना है। तो हालांकि मैंने पहले से ही इसे कर लिया है, तो दोस्तों चलते हैं अपने डिवाइस के स्टोरेज में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने BLN ओरियो यहाँ पे तीनों फाइल को इस तरह से रीनेम कर लिया है। आपको इस तरह से रीनेम कर लेना है, आप यहाँ से क्लियरली देख लीजिए कि कैसे आपको रीनेम करना है। इस टाइप से आपका रीनेम कर लेना है और रीनेम करने के बाद आपको क्या करना है कि इस फोल्डर में HU-RU अपडेटर जो है इसको मूव कर देना, यानी कि सारी चीज़ें इसी फोल्डर में होनी चाहिए, एक ही फोल्डर में। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो है सिंपली फ़ोन को TWRP रिकवरी में ले जाना है। तो चलिए हम अपने फ़ोन को TWRP रिकवरी मोड में ले जाते हैं। वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो हमारा फ़ोन जो है TWRP रिकवरी में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस जो है TWRP रिकवरी में मोड में यहाँ पे बूट हो रही है। सॉरी, रिबूट सिस्टम यहाँ पे आपको फिर से करना होगा। या फिर आप ऑन होते वक्त आप फ़ोन के पावर ऑन बटन को, पावर अप बटन को भी क्लिक करके रख सकते हैं। यहाँ से भी आपका डिवाइस TWRP में जा सकता है। दोस्तों कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, वो बटन प्रेस करने के थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, तो यहाँ से आपका डिवाइस जो है TWRP में नहीं जा पाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सिस्टम को डायरेक्टली हम रीबूट कर लेते हैं।
रीबूट करने के बाद आप वॉल्यूम अप बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। और अब देखते हैं कि हमारा डिवाइस किस मोड में जाता है। अब जो है हमारा डिवाइस TWRP रिकवरी मोड में आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देनी है और वहाँ से वो चीज़ें जो कि आपने यहाँ पे रखा था, आप HURU अपडेटर आप देख सकते हैं, इसको आपको रन करा देना है स्वाइप करके। आपको वॉल्यूम डाउन बटन 10 सेकंड तक प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्मवेयर जो है फ्लैश हो रही है। दोस्तों अब अपने सिस्टम को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्लैश हो चुकी है। अब अपने सिस्टम को हम रिबूट कर लेंगे। दोस्तों अगर यहाँ से आपका डिवाइस रिबूट हो जाता है उसके बाद आपके लिए एक और प्रोसेस बचेगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। चूँकि इतना देर आप देख चुके हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपने डिवाइस से खिलवाड़ मत करिए और वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अगर यहाँ से आपके डिवाइस को ऑन होने में कोई परेशानी होती है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि अपने डिवाइस को उसी TWRP रिकवरी के द्वारा अपने डिवाइस का जो है रीसेट कर सकते हैं पहले, उसके बाद आप उसे ऑन करिए तो ये बेटर होगा। लेकिन दोस्तों रीसेट करने से आपके सारे इंटरनल स्टोरेज ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए आप कहीं पर बैकअप कर लीजिए उसे। हालांकि ये डिवाइस डायरेक्टली ऑन हुई है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने रीसेट नहीं किया था ये भी एक कारण हो सकता है। चलिए हम अपने सेटिंग्स में चलते हैं, फिनिश यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लगभग हम देख सकते हैं कि ओरियो में हमारा डिवाइस जो है अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं EMUI 8.0 पे हमारा डिवाइस रन कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से भी आप अपने डिवाइस को ओरियो में अपग्रेड कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल तरीका है और इस माध्यम से करने में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।